यो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना पता नहीं कौन। तो आज का ब्लॉग करते हैं, लेट्स गो। स्वाद का मौसम चेक करें, इस तरह फुल स्मैक्सी मौसम हुआ पड़ा है ना। बादल ही बादल और बारिश हो रही और मौसम बाहर भी आ गए तो फूल ही फूल हर तरफ, मतलब के स्मैक्सी हो गया कि मुझे स्वाद आए हुए नहीं। आज मंडे है और पिछले संडे को मैं आया था, तो मतलब हफ्ता तो हो गया मुझे। आप सोच रहे होंगे कि इतने सुबह सुबह मैं उठा क्यों और पूरा हफ्ता मैंने ब्रेक क्यों लिया। ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि घर आया हुआ ना, सो मतलब घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो इस उठा भी आज इसलिए हूँ, सुबह के 7 बजे है क्योंकि दिलावर को पिक करने के लिए मैं जा रहा हूँ कैरेट को। स्वाद लेकर अभी मैं असगर का वेट कर रहा हूँ, मतलब घर में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज सब सो रहे थे। तो अगर जिस तरह आया था, चलते हैं सीधा कैडेट कॉलेज। और राशि मैं आपको ये बताता हूँ किस तरह एडमिशन उधर हो सकती है और किधर लोकेशन क्या है, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में भी लोग पूछते हैं, लेकिन चलो खैर हम बना देंगे आपके लिए। आपका भाई है ना, मैं बना दूंगा। मैंने भी 5 साल गुजारे उधर, टेंशन नहीं लेने चाहिए। तो स्टिक टू द वीडियो। अगर आपने कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इधर 5 एंट्रीज होते हैं, सही है ना। 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या तो आप 7th पास करके मतलब 8th में एडमिशन लेंगे, या आप 10th मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। महीने में मेंशन कर दूंगा कब स्टार्ट होते हैं। गूगल पर इनका वेबसाइट भी है, ऑफिशियल पेज भी रन करते हैं फेसबुक, और उधर भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं इनके। अपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं, फॉर्म फिल करके उधर भेजे कैडेट कॉलेज। टेस्ट अगर आप पास कर देते हो, टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होते हुए इंटरव्यू होता है। मेडिकल में कुछ चीज चेक करते, इतना कोई खास मतलब डिसेबल कुछ ज्यादा ना हो, मसला नहीं है कोई इस तरह। और इंटरव्यू में बस नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं, क्या नाम है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होता है इसमें, सही है ना। वो अगर आप पास करते हो, मेरिट में नाम आते हैं, तो आप एडमिशन हो जाते हैं कैडेट कॉलेज में। तो भाई सिंपल प्रोसीजर है, सही है। तो अभी हम तकरीबन कैडेट कॉलेज पहुंच गए हैं। लोकेशन तो मेरा सबको पता है, मैप में ढूंढ लो, सही है क्या। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, आजकल तो मैप्स है, बस सर्च करो कैडेट कॉलेज तो आता उधर उतार देगा, गेट पर उतार देगा। उसके लिए कोई इतने खास कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सही है ना। हम 1900 में नहीं रह रहे, 1999 में नहीं है, 2023 है, तो अपना कर लो भाई, इतना तो कर सकते हो आप, सही है। इधर वेट करते हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज 7:30 को हम आ गए और उनको छोड़ेंगे तकरीबन 8 को, तो वी हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स। बाहर तो नहीं निकल सकते बिकॉज ठंड है बहुत ज्यादा, बारिश हो रही है, सही है। इधर से हमने अपनी एंट्री कर दी है, सही है ना। तो हमें तो खैर कुछ कहा नहीं, एक्स कैरेट हूँ मैं इनका, सही है ना। मतलब मैं सोच रहा था बाहर क्यों खड़े हैं कि चलो अंदर चलते कैरेट कॉलेज, थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे अंदर से किस तरह दिखता है। इस रोड पर हम पीटी करते थे अपनी वॉकिंग, और ये क्या है, स्टाफ हमारे पीछे दौड़ो दौड़ो यही रोड थे जिन पर हमने 5 साल गुजारे। बहुत खूबसूरत है ये अंदर से माशाल्लाह। ये सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे लिए सिर्फ गेट नहीं था, ये पूरे सेहरात था, सही है ना। उस पार दुनिया अलग, इस पार दुनिया अलग। इस साइड पर मोबाइल यूज करना हराम है, उस साइड पर मोबाइल यूज करना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। इस साइड पर ज्यादा नींद करना गुनाह है, उस साइड पर इस तरह कुछ नहीं है। मतलब में हम कहते थे हम किसी और दुनिया में आए, तो डिफरेंट दुनिया, मतलब डिफरेंट ग्रुपिंग। इतना कोई जबरदस्त माहौल होता है ना इधर, मतलब कि अगर सख्ती को इग्नोर करें ना, तो दूसरा जो एनवायरमेंट है कैडेट कॉलेज का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किधर भी कंपैरिजन नहीं है, बेहतरीन। आज हमें पहली दफा अलाउड भी कर दिया कि ऊपर भी आप लोग जा सकते हो, मतलब उसको ऊपर से पिक कर दो, आपको रेड कॉलेज के ऊपर के मनाजर भी दिखा देगी। इससे मुझे पता नहीं था कि छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ दिया, थैंक यू। ये सामने कैंटीन का एरिया था, वो कैडेट कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक, और ये है अपना हाउसेस, ये अपने हाउसेस हुआ करते थे। इसको पिक कर दिया, चलते हैं सीधा अपने घर, बैठो बैठो इधर हम रात को वॉक किया करते थे मोस्टली। बहुत जबरदस्त यादें है यार इस जगह के साथ, तो इंशाल्लाह कभी बैठेंगे सही है ना, स्टोरी टाइम करेंगे, इस पर भी डिटेल स्टोरी टाइम बनता है हमारा। 5 साल इधर गुजार रहे हैं। हाँ भाई, आ गए कैडेट कॉलेज में हमारे नाक कटवा कर। बोर्ड कब है तुम्हारा बताओ? 1 मंथ लेट।
और वो प्री बोर्ड हो गया तुम्हारा, कितने 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 मार्क्स लाए तुम्हारे बताओ कितने मार्क्स लाए वही तो होता है, मतलब इस तरह पाकिस्तान के सारे प्रैंक्स इस तरह है। कैमरे की तरफ देखो, आपके साथ प्रैंक हो गया, कैमरा सामने लगा होता है, सही है, हमने किया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम्हारा इधर इस्तकबाल होगा, हम तुम्हारा इस्तकबाल अभी देखेंगे, सबर करो। गुलू ने रोल्ड बाहर निकला हूँ तो उजने में ब्रो को देख रहा है, संग यार खैर बराबर है, कराची ये कराची अभी नहीं आ रहा ना, अब इस तरह करते हैं यार, इफ्तारी का टाइम चूंकि हुआ जाता है तो बस अभी ब्लॉग इधर पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत, पीस, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का व्लॉग करते यहीं पे खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर जरहान चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।